आजकल क्योंकि रमज़ान चल रहे हैं और क्योंकि मुल्क के हालात क्योंकि थोड़े कहते ही हैं, तो मैं ज़रा पहले की एक बात बताता हूँ आपको कि पहले क्या होता था। 19वीं सदी में बिफोर 1857 होता ये था कि जो आबादी थी, जो खास जो एक शहर जिसको हम लोग बोलते थे, वो होता था हमारा शाहजहानाबाद। नाम सुना कभी? शाहजहानाबाद हम लोग बोलते हैं पुरानी दिल्ली को आज की डेट में, और बाद में उसका नाम जहानाबाद पड़ गया क्योंकि कहा गया कि पूरा एक जहान उस शहर में आबाद था, तो इसलिए उसको जहानाबाद कहने लगे। तो ये एक पुराना नक्शा है पुरानी दिल्ली का, राइट। लाल किला, जामा मस्जिद और इधर कश्मीरी गेट है, दिल्ली गेट, तुर्कमान गेट, इधर फिरोजशाह कोटला, और ये रास्ता यहाँ से इस दरवाजे से दिल्ली गेट से एकदम सीधा आ जाता है आपका अरबिंदो मार्ग को करके मेहरौली के साथ। तो यहाँ जो आबादी रहती थी, तो इसका मतलब ये नहीं था कि बाकी की जो दिल्ली वो वीरान थी। दिल्ली में बहुत सारे गांव होते थे, ठीक है, और आप जो जिनके नाम जैसे पालम हो गया, मीठापुर हो गया, बदरपुर हो गया, ठीक है, चिराग दिल्ली हो गया, ठीक है, और आपका लोधी गार्डन जहाँ पर है वहाँ पर अलीगंज होता था आज के टाइम में, वहाँ पर INA और दिल्ली हाजिर। तो इस तरीके से बहुत सारी आबादी थी, पर जो मेन एक शहर था, शहर पनाह जिसे बोलते हैं, वो ये था। तो यहाँ की जो तहजीब है वो बहुत ज़्यादा मशहूर थी, गंगा जमुना तहजीब आपने अगर सुना। तो होता ये था कि इस शहर में ना कोई हिंदू होता था ना कोई मुसलमान होता था। ये लोग तहजीब और कल्चर के एतबार से इतना आगे निकल गए थे कि ये सिर्फ अपने आप को दिल्ली वाला कहलाना ज़्यादा पसंद करते थे। तो जो दिल्ली की तहजीब है वो एक मजहब का रूप जो है अख्तियार कर चुकी थी, ठीक है। उसमें क्या होता था, फॉर एग्ज़ाम्पल रमज़ान के दिनों में जो इसी में जो है, जो मुस्लिम आबादी वाले इलाके थे, वैसे तो ऐसा कोई नहीं था, सारे यू नो मिक्स होते थे, पर ख़ासकर आपका मटिया महल वाला इलाका, यहाँ पर थोड़ी आबादी मुस्लिमों की ज़्यादा थी। तो क्या करते थे कि मुसलमान तो रखते थे पूरा दिन का रोज़ा, और जो हिंदू होते थे वो रखते थे असर से मगरिब तक का रोज़ा। ये बड़ा मशहूर था। वो होता ये था कि इस टाइम से, अब ये टाइम जो हो गया हमारा 4:30 की, ये एक असर है, असर की एक नमाज होती है, और इस टाइम से लेके मगरिब तक का जो सनसेट पे जो हमारी होती है 7:30 वाली, उसके बीच में जो है हिंदू भी जो होंगे ना, या जो गैर मुस्लिम जो आबादी वहाँ पे हो, वो भी कुछ ना खाएंगे ना पिएंगे, वो अपने साथ वाले जो रहते हैं उनके जो उनका जो फेथ है, उनका जो अकीदा है, उसका एहतराम करेंगे, ठीक है। और अक्सर ऐसा होता था कि हमारी नानी बताती थी कि पुरानी दिल्ली में जो है, जब रमज़ान के दिनों में अगर कोई मतलब खाता हुआ वहाँ से निकल गया किसी इलाके से, तो कोई कुछ कहता नहीं था, पर जब वो घर आता था तो बुज़ुर्गों से बड़ी डांट पड़ती थी, या अगर आप बाहर जा रहे हैं तो बहुत अच्छे से मुंह साफ करके जाते थे ताकि यहाँ पे मुँह पर कुछ लगाना। तो ये थी दिल्ली की तहजीब। और अब इसका रिश्ता मेहरौली से क्या है, तो होता ये था कि ये वाला जो दरवाज़ा है आपका यहाँ, ठीक है, आप इसको रख देते हैं, तो ये आ गई हमारी दिल्ली, और यहाँ से जो है ये दरवाज़ा, मतलब ये रास्ता जो है निकला, और ये सीधा जो है आपका आ गया मेहरौली, ठीक है। इधर आपकी अरावली और इधर आपकी जमुना, ठीक है। तो जो मेन दिल्ली है वो ये है, क्योंकि ये थोड़े से पहाड़ी इलाके पर है, अगर आप आए हो तो थोड़ा सा आपको असर महसूस हुआ होगा, वरना अगर आप अंदर चले जाएं मेहरौली जो गांव है बस्ती की तरफ, तो उसमें आपको गलियां इस तरीके से जो है आपको नज़र आएगी। तो होता ये था कि दिल्ली वालों का अपना एक हिल स्टेशन था, तो यहाँ वाले जो लोग थे, जब भी सावन भादो का महीना आता था तो वो लोग यहाँ से शिफ्ट हो जाते थे यहाँ पे। उसका एक रीज़न ये था कि जमुना जो थी वो चढ़ जाती थी, तो पानी बाहर निकलने लगता था, और दूसरा रीज़न ये था कि ये लोग जो है थोड़ा ऊंचाई पर आकर, क्योंकि यहाँ बाग बगीचे तो थे, पर जो अमराइयाँ, जो बाग बगीचे यहाँ थे वो यहाँ नहीं थे। तो दिल्ली वाले जो थे, ये वाले आधे से ज़्यादा आबादी जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाती थी मेहरौली के अंदर। अब यहाँ से यहाँ तक का सफ़र कितने दिन का होता था, कोई अंदाज़ा? 2 महीने।
मतलब अभी 502 नंबर बस में आप बैठो, डेढ़ घंटे में उतर जाएंगे। आने के लिए तो वो लोग डेढ़ दिन में आ जाते थे, पर वो 7 दिन का सफर लेकर आते थे। 7 दिन का सफर यूं लेकर आते थे कि वो लग जाता था। अब यहाँ से निकले, यहाँ से निकले तो यहाँ पे जो है फरोशा कोटला है ना, सिटी ऑफ जिन्स जिसे बोलते हैं, उसके खंडर मिल गए। तो यहाँ के बारे में बोला जाता था कि भैया ये जगह तो बड़ी ब्लेस्ड है, यहाँ रुक जाओ। तो यहाँ से निकल के यहाँ एक रात गुजार ली। अब उस ज़माने में क्या होता था कि एंटरटेनमेंट के जो साधन होते थे वो खुद ही लोग होते थे, आपसी बातें होती थी, कहानियाँ, किस्से, यू नो, कहना। मतलब यहाँ के लोगों के बारे में कहना मशहूर था कि दिल्ली वाले अगर यू नो दो चीज़ों में बड़े मशहूर हैं, एक तो मिर्चें खाने में और एक बातें बनाने में। मतलब जहाँ किसी दिल्ली वाले ने कोई दास्तान या किस्सा कहना शुरू किया तो आसमान से फरिश्ते उतर उतर के दो जानू बैठ जाते थे सुनने के लिए। तो यहाँ से निकले तो ये खंडर आ गए, यहाँ जो है रुके। फिर तो उसके बाद थोड़ा और आगे निकले तो पुराना किले वाला इलाका आ गया। तो पुराना किले वाले के बारे में कहा जाता है कि भैया वहाँ नहीं रुकना, वहाँ ठग रहते हैं, डाकू रहते हैं। तो या तो दिन जो है दिन दिन में उसे पार कर लो या उससे पहले रुक जाओ, ठीक है। वो इलाका छोड़ा तो उससे आगे जो है फिर उसके बाद आपके हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह हो गई, ठीक है। मटका पीर वहाँ है, वहाँ तो पीरों की ज़्यारतें करते हुए दरगाहों में आते हुए, और फिर उसके बाद पहुँचे अलीगंज। अलीगंज वाला जो इलाका है जहाँ पर है करबला, आज की डेट में जहाँ सफदरजंग मकबरा है ना, वो आपका पूरा अलीगंज होता था। तो वहाँ रुक गए, ठीक है। और फिर वहाँ रुकने के बाद जो है फिर थोड़ा सा और आगे आगे चिराग दिल्ली दरगाह पड़ जाती है। अब इन सारी चीज़ इन सफ़र में ये लोग रुकते कहाँ थे, ज़्यादातर तो रुकते थे अपने कैंप्स वगैरह लगा के खेमे, ठीक है। उसके अलावा जो बहुत रईस है वो रुकता था सराय में। अब आपकी पेर सराय हो गई, शेख सराय है, कटवारिया सराय है, लाडो सराय है, ये सराय जो होती थी वो इन्हीं लोगों के लिए होती थी। मतलब सदियों से लोग जो है इनका इस्तेमाल करते आ रहे थे। और फिर उसके बाद कहीं आकर जो है इनका ये जो काफिला है वो यहाँ आता था। तो यहाँ बुज़ुर्ग जो होते थे तो कहावतें मशहूर थी कि भैया मतलब कुतुब का महीना आ गया क्या, मतलब महरौली, तो महरौली नहीं बोला जाता था, सिर्फ कुतुब बोला जाता था, कुतुब का महीना आ गया क्या। तो सारे यहाँ आ जाते थे। अब यहाँ की जो रौनक है वो यहाँ है। अब यहाँ पर जो है आपके नाच हो रहा है, मुजरा हो रहा है। अब महरौली की खासियत है, महरौली में दिल्ली की सबसे पुरानी दरगाह है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की, ठीक है। और पांडवों के ज़माने का जो है यहाँ पर मंदिर है योगिनी माता का, ठीक है। और यहाँ पर जो है दिल्ली के वन ऑफ द ओल्डेस्ट गुरुद्वारा इज हियर, बाबा बंदा सिंह बहादुर, ठीक है। यहाँ पर जो है यू नो चर्च भी है यहाँ पर अंग्रेज़ों के ज़माने का। और क्योंकि यहाँ पर एक दादाबाड़ी पुराना एक जैन मंदिर भी है, तो जितने भी मजहब के आप निशानात देखते हैं वो महरौली में नज़र आते हैं। तो ये कहा गया कि मतलब फरिश्ते जो हैं वो अपना तख्त लेकर जो है इस महरौली की ज़मीन के ऊपर से उड़ते थे। मतलब शायरों ने ये बयां किया है सिर्फ महरौली के लिए। अब यहाँ पर जब आए तो पूरे गली मोहल्ले में सब मेला वेला लगा होता था। और यहाँ से 2 महीना गुजारने के बाद जो है ये लोग वापस यहाँ आ जाते थे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल जहाँ हम लोग घूमेंगे तो आप इस चीज़ को भूल जाएं कि यहाँ पे ये पतले पतले सड़क हैं या ये हमेशा से ऐसा ही था। नहीं, ये आपका 1947 के फौरन बाद वीरान होना शुरू हुआ। यहाँ 1947 से पहले महरौली इतना ही नहीं था, ये पूरा इलाका जो है यहाँ वहाँ हर जगह जो है लोग रहते थे। 1947 में यहाँ यू नो राइट्स हुए और फिर उसके बाद यहाँ की आबादी घटती चली गई और देन यू नो फिर एक नया दौर शुरू हुआ। और जो महरौली एक बहुत बड़ा एक शहर होता था सिमटते यू नो एक कुएँ पर मतलब एक पहाड़ पर एक छोटा सा गाँव के तौर पर हो गया। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, आपको थोड़ा सा एक अंदाज़ा हो गया होगा पुरानी दिल्ली और महरौली के बीच में। तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं अगर आपको कुछ समझना, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ को मैं कंटिन्यू तो कल का बात भी था, मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल मैं यहाँ का और यहाँ का रिश्ता बता रहा था, 7 जो शहर थे वो भी मैं बताऊंगा। जो लेटेस्ट हिस्ट्री वो ये है कि सुल्तान मूवी जो आई थी उसमें जो सलमान भाई जो कपड़े धोते हैं अपने, वो एक सीन
से ना जब वो कह के निकलते हैं कि हम पहलवानी सीख कर आएंगे, तो वो इस हौज का है और जो खाना खाते हुए जो उनको दिखाया गया मस्जिद के अंदर का है और जो लड़ते हुए दिखाया गया वो इस पेड़ के नीचे का है। तो ये लेटेस्ट है यहाँ का। खैर, मेहरौली क्या था, हुआ ये कि पांडवों ने इंद्रप्रस्थ एक शहर बसाया, ठीक है, जमुना के किनारे। अब राजा युधिष्ठिर ने जब वो शहर बनाया तो उसके साथ पांच पथ थे, इंद्रप्रस्थ और बागपत और तिलपत वगैरह। फिर और वो पांडवों के जाने के बाद जो था, जो दिल्ली जो थी वो पूरी तरीके से वीरान हो गई। मतलब बाद में यहाँ से सिर्फ एक नेशनल हाईवे निकलता था, मतलब लोगों ने इसको जो है इस तरीके से अपनाया नहीं। बहुत सदियाँ गुजर जाने के बाद जो है तोमर वंश जो है यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। तो जब तोमर ख़ानदान का जो पहला राजा था वो यहाँ आया और फिर उसके बाद जो है उन्होंने यहाँ पर जो है किला बनवाया, जिसको हम लोग लाल कोट के किले के नाम से जानते हैं, ठीक है। लाल कोट का जो किला है वो आपका संजयवन के अंदर है, ठीक। और फिर उसके बाद जो है वो सिलसिला काफ़ी सालों तक चलता रहा। जो तोमर वंश के आखिरी राजा थे उनके थी दो बेटे, कितनी थी, दो बेटे। अब तोमर राजपूत ये स्लेव डायनेस्टी की तो नहीं बात कर रहे? नहीं, मैं बहुत पहले की बात कर रही हूँ, शुरू से बता दीजिए। ये आपकी जो है तकरीबन 1050-60-70 कर लिया, जस्ट बिफोर मोहम्मद गौरी का, मोहम्मद गौरी से पहले, जस्ट बिफोर मोहम्मद गौरी, ठीक है। तो जस्ट बिफोर मोहम्मद गौरी तो तोमर जो राजा थे वो यहाँ पर थे, ठीक है। उनकी दो बेटियाँ थीं, एक बेटी की शादी जो है उन्होंने की अजमेर में, ठीक है, और एक बेटी की शादी की उन्होंने कन्नौज में, जहाँ का इत्र बहुत मशहूर है। अब क्योंकि उनका कोई लड़का नहीं तो राजपाट वो किसको सौंपे, तो उन्होंने जो है सोचा कि जो मेरे दो नाती हैं उनमें से किसी को दिया जाए। अब जो अजमेर वाली जो बेटी थी उनसे जो बेटा हुआ उसका नाम था पृथ्वीराज चौहान, और जो कन्नौज वाली बेटी थी उनसे जो औलाद हुई उसका नाम था जयचंद, ठीक है। अब क्योंकि जो जयचंद थे वो, ये कहा गया कि वो अपने नाना जान से थोड़ा सा दूर थे और नाना जान भी थोड़ा कम उन्हें पसंद करते थे, तो नाना जान ने क्या किया कि पृथ्वीराज चौहान को राजपाट देने का जो है उन्होंने ऐलान कर दिया। पृथ्वीराज चौहान यहाँ आए, अजमेर से जो है उन्होंने अपनी जो राजधानी थी वो स्थानांतरित करके जो है वो दिल्ली लेकर आए और यहाँ से आधा राजपूताना उन्होंने संभाला। अब इन्हीं के ज़माने में, अब यहाँ आने के बाद जो उन्होंने क्या किया, एक लालकोट तो किला था ही, इसके साथ उन्होंने एक और किला बनवाया जिसको हम लोग किला राय पिथौड़ा कहते हैं। अब किला राय पिथौड़ा कहाँ है आपका, जैसे ही आप मालवा नगर मेट्रो स्टेशन से निकलते हैं पूरा सैद उल अजायब उसमें आता था, और ये वही किला है जिसके अंदर जो है एक नमक की सराय होती थी, और नमक की सराय के बाजू में जो है हजरत अमीर खुसरो की हवेली थी। ये आपका ये साकेत वाला इलाका होगा। तो सब कुछ ठीक चल रहा था, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान अपना लाल कोट और किला राजे थोड़ा से हुकूमत चला रहे थे। फिर कुछ ऐसा हुआ कि इन्होंने 1193 में जो है मोहम्मद गौरी से जो है मुजैठा लिया, और दो जंग करने के बाद जो है ये हार, और फिर उसके बाद जो है इनका वंश खत्म हुआ और मोहम्मद गौरी जो थे वो यहाँ आए। और उन्होंने क्या किया कि अपने एक गुलाम, अब गुलाम क्या थे कि गुलामों का जो रुतबा था वो बहुत बड़ा होता था, मतलब इतना बड़ा होता था कि आप उनको बाकायदा ट्रेनिंग दें, आप उनको हर तरह की ज़बान सिखाएं, तलवारबाजी सिखाएं, मतलब राजपाट के और दरबार के सारे एटिकेट्स वगैरह सिखाएं, और अगर आपको लगे कि मतलब ये तो आप काबिल है पूरी तरीके से तो आप अपनी बेटी की शादी भी कर, उसे दामाद भी बना, ठीक है। तो इतना रुतबा होता था गुलामों का। अब उन्हीं मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और बाय द वे कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर नहीं है, नहीं, ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सूफी जैन के नाम पर। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है उन्होंने यहाँ का साम्राज्य सौंपा, और फिर उसके बाद यहाँ से वो अपने वापस गौर जहाँ से वो आए थे वहाँ चले। कुछ वक्त उन्होंने यहाँ पे हुकूमत की यहाँ और लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अनफॉर्चुनेटली ये कहा गया कि घोड़े से गिरकर, वो चौगान खेल रहे पोलो और घोड़े से गिरकर उनकी डेथ हो गई। नाउ जस्ट इमेजिन कि अगर कोई बताए
जैसे कोई योद्धा है वो जंग में तो मरा नहीं पर वो घोड़े से गिरा एंड देन ही डाइड। तो उस टाइम पे बड़े एक शर्म की बात होती, उनके ख़ानदान को हटा दिया गया और फिर उसके बाद जो है अलग एक और ख़ानदान शुरू हुआ जिसको हम लोग सुल्तान अल्तमश के नाम से जानते हैं, जिनकी बेटी सुल्तान रज़िया है एंड शी वॉज द फर्स्ट वुमेन मोनार्क ऑफ साउथ एशिया। और फिर उसके बाद गुलाम वंश जो है ये चलता रहा, अलग अलग गुलाम वंश में वंश बदलते रहे पर गुलाम ही रहे और 1290 तक ये चलता रहा और ये मेहरौली में ही सब कुछ हो रहा था। और फिर उसके बाद जो है जो आखिरी जो जो आपका हुक्मरान था सुल्तान वो कमज़ोर था तो उसके वजीर ने उसको हटा के खुद को जो है सुल्तान जो है डिक्लेयर कर दिया। और इसी तरीके से हर बार यही हुआ, पहले गुलाम वंश था फिर उसके बाद जो है यहाँ पर खिलजी वंश हो गया, खिलजी के बाद जो है तुगलक हो गए और तुगलक के बाद फिर जो है सैयद लोधी और फिर उसके बाद जो है 1526 में आपके मुग़ल आए। तो आपका जो है दिल्ली हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक सल्तनत इरा सुल्तान जिसमें कहलाए जाते थे और दूसरा था बादशाह वाला और फिर तीसरा था ब्रिटिश वाला। अब सुल्तान और बादशाह में क्या फ़र्क होता है, सुल्तान कौन होते थे कि अब जैसे मैं सुल्तान हूँ ठीक है, मतलब मैं यहाँ पर हुकूमत कर रहा हूँ तो बगदाद में एक रिलीजियस लीडर होगा, एक खलीफा होगा ठीक है, जिसको पूरे दुनिया में जितने भी मुस्लिम लोग होंगे वो उसकी बात जो है मतलब वो सारे मुसलमानों का एक लीडर आप समझ लें ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं भाई साहब को जो है मतलब खलीफा है मैं इनको एक लेटर भेजूँगा और ये पढ़ेंगे और ये देखेंगे भाई आसिफ खान दिल्ली वहाँ पर सुल्तानी करना चाहते हैं, दे दो लौंडे को, ये उस पर लगाएंगे स्टैंप और दे देंगे ठीक है। तो मैं इनके नाम पर जो है यहाँ पर सुल्तानी करता हूँ ठीक है। अब जब मुग़ल बादशाह मुग़ल लोग यहाँ पर आए तो उन्हें उन्हें था कि भाई हम सुल्तान क्यों बने, हमें नहीं माननी किसी की बात, हम खुदा के बाद अगर हमें कोई जाने तो हमें जाने, बाद एक खुदा शाह बाद शाह ठीक है, तो हम सुल्तान नहीं बनेंगे हम बादशाह बनेंगे। अब सुल्तान और बादशाह में फ़र्क नज़र आया, सब समझ आया हाँ। बट ये दोनों इस्लाम ही मतलब ये बादशाह फिर कैलिफेट के साथ नहीं थे, नहीं 1526 में सब कुछ यहाँ पर थोड़ा उथल पुथल था तो दिल्ली में जो है इब्राहिम लोधी जो थे वो हुकूमत कर रहे थे और मेवाड़ और राजस्थान में जो है आपके जो है संग्राम सिंह जिनको राणा सांगा के नाम से भी जो है हम लोग जानते हैं। तो हुआ ये कि यहाँ पे जो पठान थे वो लोग परेशान थे कि भैया जो सुल्तान है वो हम पर बहुत जुल्म सितम, मैं इसी पर आ मतलब इसी से रिलेटेड, तो जो सुल्तान है वो बहुत जुल्म सितम करता था तो उन्होंने क्या किया कि जो मेवाड़ के जो राणा थे उनसे जाकर जो है वो हेल्प मांगी, जो कुछ अमीर थे कि भाई हम चाहते कि आप हमला करो और जो क्रूर सुल्तान है उसकी अय्यारियों से उसके अत्याचारों से हमें बचाओ। अब वहाँ राणा के जो सहायक लोग थे उन्होंने क्या कहा कि भैया आप वहाँ जाओगे फ़ायदा नहीं, दिल्ली को जीतना इतना आसान नहीं है, आप ऐसा करो कि आप बाबर जो काबुल में मौजूद है उसको न्योता भेज दो। तो उन्होंने तो यहाँ पर थोड़ी सी ट्रिक खेला कि कांटे से कांटा निकाला जाए, तो बाबर को न्योता भेजा कि आप यहाँ आएंगे दिल्ली को लूटेंगे, उनको तो ये था कि काबुल से वो आएंगे और जो है वो रहेंगे तो है नहीं यहाँ पर, वो दिल्ली को लूटेंगे और फिर यहाँ से चले जाएंगे। अब जो लुटा पुटा जो राजपाट होगा उसमें जो है हम इजीली जो है हम लोग उससे हुकूमत कर लेंगे। अब यहाँ से जो है दौलत खां लोधी थे जो उस टाइम पे करंट सुल्तान के चचा भी लगते थे, उस टाइम पे मुल्तान की तरफ वो मौजूद थे, उन्होंने भी बाबर को जो है एक संदेशा भेज दिया। अब बाबर को जो है राणा सांगा की तरफ से भी एक संदेशा था और दिल्ली के जो मतलब एक सुल्तान के चचा थे उनकी तरफ से भी जो है न्योता था। फिलहाल उन्होंने गौर किया और उन्होंने हमला किया। राणा सांगा ने ये कहा था कि जब आप दिल्ली के सुल्तान पर हमला करेंगे तब मैं आपका साथ दूंगा ठीक है। अब वो तो नहीं आए, वो वहीं रहे। उन्होंने ये कहा था कि आप दिल्ली पर हमला करें मैं आगरे पे कर दूंगा, तो हम इजीली लाइक हम इसको हटा देंगे, पर वो अपनी उसने मेवाड़ में जो है वो रहे। बाबर जब हिंदुस्तान आया तो उसने बहुत आसानी से जो है इब्राहिम लोधी को हरा दिया। उसका रीज़न ये था कि जो इब्राहिम लोधी की जो आर्मी थी उसमें तकरीबन 100,000 लोग थे, अहदी से लेकर घुड़सवार और सिपह सालार और सिपाही वगैरह मिलाकर, अहदी होता है आपका जो पैदल चलता है भाला लेकर, और उसमें जो है तकरीबन 1,000 जो है जंगी
आपके हाथी थे, तो उसको बड़ा गुमान था इस बात पे कि वो आसानी से जो है मुग़लों को हरा देगा। अब यहाँ बाबर के पास क्या था, बाबर के पास तकरीबन 30,000 की जो है वो सेना थी, और उसमें नया क्या था, उसमें नया था युद्ध करने की नई कला। वो ये कि जो बाबर के पास जो आदमी थे वो तीरंदाज बहुत अच्छे थे, मतलब इतने अच्छे तीरंदाज थे कि वो अपने दम पर जो है कोई भी जंग जिता देते थे। उसके अलावा उसके पास थी तोपें, और फिर उसके बाद उसने क्या किया कि पानीपत के मैदान में वो तकरीबन 2 दिन पहले पहुंचा इब्राहिम लोदी से, और उसने जो है अपना एक बहुत अच्छे से एक सिस्टम उसने बनाया कि जितनी भी बैलगाड़ियाँ थीं उनमें से बैल और घोड़े वगैरह सब हटा के जो है वो गाड़ियाँ इस तरीके से लगाई। ओके, नाउ जस्ट इमेजिन 300 एक मूवी आई थी, अगर आप लोगों ने देखा है तो ठीक है। उन्होंने इस तरीके से जो है वो बैलगाड़ियाँ लगाई, और पीछे खड़े हो गए उसमें तीरंदाज, ठीक है, और उनके साथ हो गई तोप, ठीक है। इधर पहाड़ी की तरफ जो है उसने अपने जो कुशल तीरंदाज थे उनको खड़ा कर दिया, और इधर की तरफ आपके पैदल सिपाही जो थे वो थे। अब जब सामने से हमला हुआ तो पहले हाथी छोड़े गए, तो हाथियों ने जो एक साथ जो है वो हमला किया, तो हुआ ये कि फटाफट जो है वो बैलगाड़ियाँ हटाई गई और जो तोपें थी उन्होंने आग उगलना शुरू किया। तो सामने वाली जो आर्मी थी वो हैरत में आ गई, मतलब ये कौन सी बला है, ये कौन सा शैतान है जो आग उगल रहा है। तो जो कोले गिरते थे वो हाथियों के ऊपर गिरते थे, और हाथी जो है वो मुड़ जाते थे, और मुड़कर जो है अपने ही लोगों को उन्होंने कुचलना शुरू कर दिया। अब यहाँ पहाड़ी पर मौजूद जो तीरंदाज थे उन्होंने जो है तीर बरसाए यहाँ से, तो आसानी से जो है वो हार गए, और कुछ ही मतलब 1-2 दिन में ही वो आराम से उस युद्ध को जो है वो जीत लिया। यहाँ आने के बाद जो है मेवाड़ के जो राणा थे उनको लगा कि बाबर जो है चला जाएगा, पर बाबर नहीं गए, उसने यहाँ पर हुकूमत करने का फैसला किया। और फिर उसके बाद राणा सांगा और बाबर के बीच में जो है फिर जंग हुई, और फिर उसके बाद जो है बाबर जो है उसने मुग़ल जो सल्तनत की उसकी बुनियाद है। जब बाबर इब्राहिम लोधी को हरा कर दिल्ली पहुंचा, तो पहुंचने के बाद जो है वो दिल्ली की जितनी दरगाहें थी उनकी ज़ियारतों के लिए आया, जितने हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह वगैरह। जब वो महरौली आया कुतुब साहब की दरगाह पर माता देखने के लिए, तो उसने देखा कि यहाँ पर दो, वैसे तो यहाँ पर महरौली तो जो है आपको पता महरौली की मान्यता क्या थी, अभी तो कुछ भी मतलब सब ख़त्म हो गई है, मतलब तकरीबन 100 साल पहले लोग जो है महरौली की मिट्टी ले जाते थे सिर्फ अपने घर में रखने के लिए, ये मिट्टी पाक, मतलब इतने ज़्यादा सूफ़ी यहाँ पर दफन है और इतने ज़्यादा सूफ़ी यहाँ रहते थे। तो जब वो यहाँ आया तो उसने दरगाह विज़िट की, और उसने देखा कि यहाँ पर जो है मौलाना जमाली जो है यहाँ पर है, तो एक सूफ़ी सेंट भी है और उसके साथ ये एक कवि भी है और मुसाफिर भी, हर जगह उन्होंने ट्रैवल किया हुआ है। जब उनसे आकर मिले तो बहुत ज़्यादा उनके इंटरेस्ट हुए, और फिर उनकी शान में जो है उन्होंने ये मस्जिद यहाँ पर बनवाई। अब मौलाना जमाली जो थे उनके एक और शिष्य थे जिनके बारे में कहा जाए मौलाना कमालुद्दीन, मौलाना कमाली, वो लोग साथ रहते थे, तो इसी नाम से जो है ये जमाली कमाली मस्जिद जो है वो मशहूर हो गई। मौलाना जमाली और कमाली जो है ये ताला लगा हुआ है, इस अहाते के अंदर जो है एक छोटा सा एक रूम है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत खूबसूरत, बेहद खूबसूरत है, मतलब इट्स लाइक अ स्टेपिंग इनटू द ज्वेल बॉक्स, मतलब उसमें जो नक्काशी की गई है वो आज तक जो है इसी तरीके से मौजूद है, और वहाँ अंदर वो दफन है। तो आप देख सकते हैं कि आर्किटेक्चर के बारे में मेरे को बहुत ज़्यादा मालूम तो नहीं है, पर स्टिल कि मुग़लों का पहली इमारत से आप कंपेयर कर सकते हैं कि जो लोधीज थे उनका इन्फ्लुएंस जो है इसमें मौजूद है, क्योंकि उस टाइम पे जो कारीगर तो थे ही जो लोधी के ज़माने के थे। तो अगर आप लोधी गार्डन वगैरह या आप कोई लोधी ज़माने का कोई मॉन्यूमेंट देखेंगे तो इसमें और उसमें बहुत सारी समानताएँ आप लोगों को नज़र आएंगी। इस मॉन्यूमेंट के बाद जब उन्होंने बाकी इमारतें बनवानी शुरू की तो आप देखेंगे कि जो आर्च है और बाकी जो आर्किटेक्चर का जो स्टाइल है उसमें और निखार आता दिखता है हम लोगों को, लाइक देन वी हैव ताज। तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं और देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे।
स्टेप है, प्लेस जो है। मैं दौलत खान लोगों का जिक्र कर रहा था जिन्होंने बाबर को न्योता भेजा था। उन्होंने जो है एक पहाड़ खोद कर जो है बावड़ी बनवाई, पहाड़ों के निशाना आपको पत्थरों के दिख जाएंगे। उनकी बनाई हुई ये बावड़ी थी। अब इसका नाम रजू की बावड़ी क्यों है? 19वीं सदी के आखिर में 1857 का जब कदर ख़त्म हो गया तो फिर दिल्ली में वीरानी छा गई। मतलब ऐसी वीरानी के मतलब जो है बस फिर कौवे ही बोलते थे वहाँ पर, जो जहाँ रहता था वो वहाँ से चला गया। तो बाद में 20वीं सदी शुरू होने पर जो इस तरह की जो इमारतें थीं, कदीम इमारतें, उनमें जो है लोग आकर रहने लगे। ठीक है, अब जैसे बेगमपुर मस्जिद है, कभी अगर आपने नाम सुना हो या अगर आप कभी गए हो तो गूगल करिएगा, उसमें बाकायदा पूरा एक गांव था अंदर। रिसेंटली मतलब आज से 3 साल पहले जब एक इवेंट वहाँ पे किया था तो वहाँ की जब फ़ोटोज़ निकाली गई तो एक मोहतरमा थी, एक बुज़ुर्ग जो बेगमपुर में रहती हैं, उन्होंने जो है अपना घर जो है उसने पहचान लिया मस्जिद के अंदर कि मतलब झोपड़ी वॉज आई वॉज बॉर्न हियर। तो इसी तरीके से जो मॉन्यूमेंट्स थे वहाँ पे अंदर लोग रहने लगे। वो लोग खौफ में थे, कभी भी जो है मतलब यू नो मतलब जंग छिड़ जाती थी, तो इस तरह की जो इमारतें थीं उन्हें सेफ लगी। तो पूरा का पूरा एक गांव जिसे आप कह लें या एक कम्युनिटी आप कह लें वो इसके अंदर रहती थी। ये 19वीं सदी के आखिर में, एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी की शुरुआत में, ठीक है, और टिल 1930s तक जो है ये लोग यहाँ पे वो कम्युनिटी रहती थी। अब ये लोग कौन थे? ये लोग थे राजमिस्त्री। पहले ये लकब था, बड़ा मशहूर था, जो मिस्त्री जो होते थे उनको बहुत इज्जत के साथ जो है आप बात करते थे, ठीक है, तो उनको राजमिस्त्री जो है वो बोला जाने लगा। तो जो कम्युनिटी थी ये राजमिस्त्रियों की थी। 1889 के आसपास काल पर नीचे हो सकता, जब ASI जब बना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके तहत जो है इन मॉन्यूमेंट्स को खाली कराया गया और ब्रिटिश लोग उन्होंने इसको जो है प्रिजर्व करके रखा। जब यहाँ से उन लोगों को हटाया गया उसके बाद से जो है अब तक ये जगह जो है राजों की बावड़ी के नाम से जो है वो जानी जाती है। ये जितना मॉन्यूमेंट आज हम लोग विजिट करेंगे सब ASI के अंदर में। अब हम 2011 में जब पहली बार यहाँ आए थे तो ये नीचे 3 और फ्लोर नीचे है, ये मतलब बहुत खूबसूरत लगता है, काफ़ी नीचे है ये और एकदम सूखा पड़ा हुआ था, एकदम सूखा। तो हम लोग एकदम नीचे जाके जो है फ़ोटो वगैरह खिंचवाते थे। अब हुआ ये कि आपको मैं बता दूँ कि इसी के अंतराल में 400-500 मीटर के अंदर तकरीबन 4-5 बावड़ी, ठीक है, एक बावड़ी ये हो गई और दूसरी जो है यहाँ से 200 मीटर भी नहीं है गंधक की बावड़ी है, दैट इज़ द ओल्डेस्ट स्टेप वेल इन दिल्ली, राइट। फिर उसके बाद जो है 200 मीटर अंदर आप दरगाह में चले जाओ तो आधी दरगाह जो है मतलब बहुत कम लोगों को मालूम है कि आधी दरगाह जो है कुतुब साहब की वही बावड़ी के ऊपर बनी हुई है, ठीक है। तो ब्रिटिश लोगों ने क्या किया कि जो है उन्होंने नीचे बड़े बड़े पिलर्स लगा के उसके ऊपर जो है उन्होंने छत डाल दी और आधी दरगाह जो है उसके ऊपर आ गई। तो 3 बावड़ियाँ ये हो गई, उससे थोड़ा सा आगे और निकल जाए पीछे जफर महल आता है, यहाँ पर अंदर मेहरौली में आप चले जाए तो वहाँ पर एक बावड़ी थी जिसका नाम औरंगजेब की बावड़ी था। तो हुआ ये कि अभी कुछ वक्त पहले जब अंदर दरगाह वाली बावड़ी हम लोगों ने विज़िट की तो एकदम अंदर जाके है उसमें, मतलब आप कोई जाता नहीं है, तो उसको साफ सफाई का काम चल रहा था। तो जब उसको साफ किया गया तो ऑटोमेटिक पता चला कि जो यहाँ की जो बावलियाँ हैं ये जो 500-600 मीटर के अंदर ये सारी इंटरकनेक्टेड और ऑटोमेटिकली पानी भर गया। ये पानी कुछ भी नहीं है, अगर आप गंधक की बावड़ी चले गए वो बहुत गहरी है, बेहद गहरी है वो, और उसके अंदर पानी आखिरी सीढ़ियों तक जो है वो आ गया है। अब ASI करे तो करेंगे, वहाँ से इंक्रोचमेंट जो हो रहा है लोग वहाँ पे, मतलब एक बंदे ने तो टेलर की दुकान अपनी खुली हुई है बावली के अंदर, ऐसे लोगों को हटाए या उसका पानी कहाँ करें, तो ये चीज़ें जो है वो चल रही हैं। इसके अलावा जो अंदर जो बावड़ियाँ हैं उनमें भी पानी आ गया। तो ये सारी
अब होने को तो बहुत सारी चीज़ें हो जाए, पर ये बना है आपका, ये बावली नहीं, ये बनी है आपकी, मैंने अभी बताया एक नाम लिया दौलत खां लोधी, जो लोधी ज़माने में था, और जो लोधी आपका जो ज़माना है ये तकरीबन 1451 से लेकर 1526 तक का है। ठीक, अब उसके बीच में हाँ, अब ये इतनी बड़ी सी क्यों है, मतलब लेके यार एक कुआं बना देते, ठीक है, तो ये इतनी बड़ी क्यों है, उसका रीज़न ये है कि पहले ज़माने में ज़िंदगी को मनाया जाता था हर लम्हे, ठीक है, हर जो छोटे मोटे कार्यक्रम होते थे उनको खींच लिया जाता था, तो इस तरह की जो बावनियाँ होती थीं उनमें वक्त जो है वो बटा होता था कि भैया सुबह जो है ये कम्युनिटी आई और दोपहर में इतने बजे से इतने बजे तक सिर्फ औरतें जनाना रहेगा, तो सिर्फ औरतें जो थी अपने दिन रोज़मर्रा के जो काम होते थे वो करती थी, तो हर जगह आपको औरतें औरतें नज़र आती थी, अब फिर उसके बाद जो है सिर्फ मर्द हो, तो यू नो जिस तरीके से सोशल मीडिया है उस टाइम पे इस तरह की जगहें होती थी, और हर बावड़ी का एक दरोगा होता था, राइट, तो कोई भी सेरेमनीज अगर हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, हल्दी हिना बंदी एंड ऑल, जो शादी ब्याह का जो रस्म रिवाज होते हैं या किसी भी तरह के रस्म रिवाज, तो हम लोग उस दरोगा से जो है आप लिखित में आप दीजिए कि भैया इस वक्त इस दिन हमें इस वक्त से इस वक्त जो है हमें ये जगह चाहिए, तो आपको इस तरह की जगह मिल जाती है, ठीक है, तो ये जगहें जो है इस तरह की सेरेमनीज वगैरह के लिए काम में आती थी। इसके पीछे ही जो है पहले एक हॉल वगैरह बना हुआ था, हॉल छोटा था, तो जो पानी वेस्ट होके निकलता था वो अंदर जो है वो बाग वगैरह में चला जाता था, और जो साफ पानी वेस्ट होके निकलता था, मतलब थोड़ा जिससे साबुन वगैरह नहीं होता था, उस हौज में जो है इकट्ठा हो जाता था, तो जो मवेशी वगैरह होते थे अपने, जो मुसाफिर होते थे उनके घोड़े के लिए हाथे वगैरह के लिए ये चीज़ें होती थी। इसमें पीछे अगर आप वो देखें तो वो एक छोटी सी आर्च है ऐसे, उसके पीछे कुआँ बना हुआ है, और सबसे ऊपर जो है पर्शियन व्हील था, रहट जिसको बोलते हैं, देखा है आप लोगों ने कभी वो रहट चलते हुए, तो वो रहट जो है वो लगा हुआ था, बाल्टियाँ उसमें लगी होती थी, वो पानी निकालते हुए जो है वो खेतों वगैरह में जो है वो चलता रहता था, उसके अलावा भी लोगों के घरों में भी जो है वो सप्लाई होता था, ये जो है बावली होती थी इन शॉर्ट। तो आप एक्सप्लोर कीजिए जब तक आप, बहुत बड़ा शहर था, मतलब इतना बड़ा शहर था कि दूर दूर से लोग यहाँ रहने के लिए आते थे। अभी तो मेहरौली गांव जो है कई कई जगह लिखा जाता है, तो पहले यहाँ के बारे में बहुत सारी चीज़ें बहुत मशहूर थी। अब जैसे अगर आप पुरानी दिल्ली चले जाएं, तो पुरानी दिल्ली में दरवाज़े हैं बहुत सारे, इसी तरीके से मेहरौली में भी दरवाज़े होते थे। अब पुरानी दिल्ली के जो दरवाज़े हैं उनके नाम क्या हैं? दिल्ली गेट, अजमेरी गेट, कश्मीरी गेट, लाहौरी गेट, सही। एक्चुअली वो तुर्कमान शाह बियाबानी एक सूफी सेंट थे, उनके नाम पर है, और एक था कलकत्ता गेट था, और एक था केला दरवाज़ा, ठीक है, तो दरवाज़ा जो है वो फारसी का वर्ड है, तो केला दरवाज़ा, और आपका निगम बोध दरवाज़ा, इस तरीके से दरवाज़े होते थे, जिस दरवाज़े से मतलब निकले वहाँ पहुँच गए। अब यहाँ क्या था, अब यहाँ जो दरवाज़े थे उनके भी नाम ऐसे ही थे, यहाँ एक दरवाज़ा था जिसका नाम था बगदाद दरवाज़ा, यहाँ एक दरवाज़ा था जिसका नाम था गुल दरवाज़ा, तो गुल जो दरवाज़ा था उस दरवाज़े से निकल के गुलिस्तान था बहुत बड़ा चमनिस्तान, और एक दरवाज़ा था जिसके उसका नाम था बदायूं दरवाज़ा,
तो उस दरवाजे से बदायूं जाया करते थे। ठीक है, एक दरवाज़ा था जिसका नाम था बरखा दरवाज़ा, और एक दरवाज़ा था जिसका नाम था गजनी दरवाज़ा। और गजनी दरवाज़ा जो था उसके आगे बहुत बड़ा ग़ुलामों का बाज़ार लगता था। इतना बड़ा बाज़ार लगता था, ग़ुलामों में किस्में होती थी, साकियाँ होती थी। साकियाँ समझते हैं आप लोग? आप साकियाँ नहीं समझते, मतलब तो बहुत पिला दे साकी। जो साकी, साकी होती थी जापानी स्टंट बारटेंडर। इट्स अ वुमन हु सर्व्स वाइन। बारटेंडर, बारटेंडर, शराब पिलाने वाला। अच्छा ओके, फीमेल। शराब पिलाने का काम नहीं होता था। अब जैसे मैंने अपनी एक साकी खरीदी हुई है, तो मेरा मूड खराब है, मैं बाहर से आके बैठा, दीवान खाने होते थे पहले, तो उसको मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे ये दिन चाहिए। उसको पता था आपको क्या चाहिए? मूड के हिसाब से, इवन आई डोंट नो व्हाट आई वांट। ठीक है, बट वो मिक्स करेगी मूड के अकॉर्डिंग, मिक्स करें। ठीक है, मतलब पहले जो शराबें चलती थी उनमें होती थी शिराजी, और वन ऑफ द वेरी एक्सपेंसिव वाइन, अंगूरी। अंगूरी लोग पहले घर में ही बनाते थे, ठीक है, बहुत आम थी दिल्ली में। ठीक है, और अंगूरी अर्क होता था बेसिकली, सो अंगूरी में जो है आप ड्राई फ्रूट्स का अर्क निकाल कर मिलाकर जो है पीते थे। ठीक है, तो ये लड़कियों में ज़्यादा आम थी अंगूरी। और इस्फहानी जो थी वो शाहों का ड्रिंक था, वो इस्फहान से आती थी लदगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो साकी जो है वो ड्रिंक बनाएगी आपको, जो है वो देगी सर पर। उसको साकी बोलते हैं। ठीक है, वो मूड के हिसाब से आपका मूड ठीक करेगी। अगर आप बहुत खुश हैं, आपको हाई नहीं होना फिर भी पीना है, हाई होने के लिए क्या पीना है, गर्लफ्रेंड से मिलने जाने से पहले क्या पीना है जो जबान से अच्छी खुशबू आए। ठीक है, गर्मियों में क्या पीना है, बरसात में क्या पीना है। ठीक है, इस तरीके से उसको मालूम होता था कि अगर सर को डायबिटीज़ है तो इसको ये नहीं पिलाना है, तो साथियों का वो काम होता था। इसी तरीके से तुर्कने होती थी। अब तुर्कने कौन होती थी? तुर्कने होती थी जो है मतलब औरतें होती थी, पूरी साइज में बड़ी होती थी, बलिष्ठ होती थी लंबाई वगैरह में, और जो हाथ काफ़ी मोटे होते थे, और जब तलवार से वो वार करती थी तो एक बार से जो है वो लोगों का काम तमाम कर दिया करती थी। तो पर्सनल बॉडी गार्ड आप क्या जो तुर्क वाले उसमें से? हाँ, वहाँ पे एक एक, एक पूरी कबीला होता था, उनकी हाइट और बिल्डअप स्ट्रांग होता है। हाँ, फीमेल्स का जी, तो तुर्कने होती थी, हफ्शने होती थी, ठीक है, ग़ुलाम होते थे, और इस तरीके से रक्कासाएँ होती थी जो रक्स किया करती थी, मुजरा तो काफ़ी बाद में जो है प्रचलित हुआ। तो इस तरीके से आप जो है वो ग़ुलामों के बाजार से जो है अपने लिए ग़ुलाम खरीद लिया करते थे अपने अपने पैसों के हिसाब से। और ये काम गलत नहीं समझा जाता, आई थिंक इट वॉज फन। मतलब मीन्स की जो ग़ुलाम वर्ड था वो वैसे ग़ुलाम स्लेवरी वाला आता है, पर वो बहुत लविश लाइफ और फ्रीडम वाली। आगे जाके बलबन, आपने एक नाम सुना हो यासुद्दीन बलबन, का मकबरा अंदर है, और 19वीं सदी तक यहाँ पर लोग रहते थे, पूरी आबादी यहाँ पर आराम थी। तो 1857 में जो है बहुत सारी चीज़ें वीरान हो गई। ठीक है, हुआ ये कि ऐसा नहीं था कि जो लोग थे रईस और कल्चर जो लोग थे सारे पुरानी दिल्ली में रहते थे, उसके अलावा बाहर भी रहते थे, अब मेहरौली में भी रहते थे। तो 1857 के बारे में कभी आपने पढ़ा हो तो जब लाल किले पर तकरीबन 30 सितंबर को तो दिल्ली सिपाही बहादुर शाह जफर जो है वो गिरफ़्तार हुए हुमायूं के मकबरे से, तो जब वो वहाँ गिरफ़्तार हुए तो मुग़ल ख़ानदान के जो लोग थे, शहजादे शहजादियाँ और मतलब जितने भी उस टाइम पे जो लोग उसमें रह रहे थे, वो सब भागना वहाँ से शुरू हुए कि अब तो अंग्रेज़ों के हाथ आ गए तो जो है वो काम तमाम। तो बहुत सारे लोग उसमें थे जो है वो गाज़ियाबाद गाज़ीपुर की तरफ भागे, बाद में गाज़ियाबाद हो गया। बहुत सारे लोग जो है छतरपुर की तरफ आ रहे थे, बहुत सारे शाहजहाँ की तरफ, फरीदाबाद की तरफ। अब होता क्या था कि ये लोग शहर पनाह से निकलते थे, ये शहजादियाँ, ठीक है, और आप तसव्वुर करें मुग़ल शहजादियाँ,
ठीक है, जिन्होंने कभी मतलब ज़मीन पर पैर नहीं रखा कालीन से नीचे, वो वहाँ से निकली और जो है वो मेहरौली के जंगलों में छो गई बेचारे। वहाँ से जो है उन्होंने लाल किला छोड़ा और मतलब कभी सोचा भी नहीं कि लाल किला छोड़ना पड़ेगा। और यहाँ आने के बाद जो है जो यहाँ लोग रहते थे, ठीक है, जिनके बारे में वर्ड यूज़ किया है कमाल पुरानी किताबों में, उन लोगों ने लूटा। अब लूटा कैसे कि उन्होंने मतलब वैसे तो लूटा ही, इज्जत भी लूटी और मतलब मुग़ल शहजादियों से लोग मतलब इसलिए यहाँ से उठा उठा कर लेकर गए, उससे उपले जो है वो बनवाए, वो गोबर के जो बनते हैं उनसे चूल्हे पर रोटियाँ पकौने, तो बहुत बुरा हाल हुआ। अब बहुत सारी जो मुग़ल शहजादे शहजादियाँ थे वो जो कुछ लोग यहाँ रुके भी, तो जो यहाँ के लोग जो लोग थे उन्होंने हमला कर दिया, वो ले जाते थे। अब हुआ ये कि पीछे अगर हटते तो अंग्रेज़, आगे आते थे तो अपने ही लोग थे, तो उन लोगों ने हर तरीके से जो है उनको लूटा, तो मेहरौली जो है पूरा वीरान हो गया। मिर्ज़ा गालिब जो थे उनकी किताब है तस्तंबू, और उन्होंने जो है लिखा है थोड़ा बहुत हाल, वैसे तो जो पढ़ने लायक है वो अल्लाह बेगमात के आंसू एक किताब है, अगर आप पढ़ें तो पढ़ नहीं पाएंगे आप, रो रो के बुरा हाल हो जाएगा। तो मिर्ज़ा गालिब की जो तस्तंबू है उनमें जो है वो लिखते हैं कि मेहरौली में जो है वो लोग पहुँचे तो मेहरौली में ऐसा कुछ मतलब कोई जगह बची नहीं, कोई शेर कि जिसके नीचे जो है वो लोग सर छुपा सकें। अब आप अंदाज़ा लगाएं, मई जून जुलाई का वक्त है, ठीक है, इतनी गर्मियां हो रही हैं, ठीक है, फिर उसके बाद बरसात हो गई, और फिर उसके बाद आपका वो अगस्त सितंबर तक तो उमस रहती ही है। वो लोग वहाँ से, शाही ख़ानदान वहाँ से निकला, और निकलने के बाद जो है यहाँ के कब्रिस्तानों में जो है उन्होंने पनाह ली। तो ये कहा जाता है कि इतनी बारिश हो गई कि कब्रिस्तानों में से जो है वो सांप निकलने लगे और उन बेचारों को वहाँ भी जगह ना मिले, तो इस तरीके से वो लोग मारे मारे फिरते रहे। तो जब वो यहाँ से निकले, दिल्ली से निकले, तो यहाँ मतलब खंडरों पर सबको बदुआएँ देते हुए निकले, ठीक है। और उसके बाद से ये कहा गया कि कोई भी मतलब, अब ये किताब की फैक्ट्स की अगर आप बात करें तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ये अलग अलग किताबों में अफसानों के तौर पर लिखा गया है, शायरी के तौर पर, अफसानों के तौर पर, तो वो जो बदुआएँ थीं उनका असर है कि दिल्ली में जो ये इमारतें मौजूद हैं उनको पता नहीं चलता कि ये कभी मैखाना था, कि पैखाना था, कि कोई महल था, अब बस खंडर और दीवार बचे रहते हैं। तो अब अगर आप यहाँ से निकलेंगे तो ज़रा गौर करना, तो आले आपको मिलेंगे, आले समझते हैं, सामान पुराने घरों में होता था, तो देखते हुए आप आइए। हाँ तो आगे है ना, पीछे पलवन का मकबरा और जिसको दारुल अमन भी बोला जाता था। पलवन की कब्र तो वक्त के साथ ख़त्म हो गई, पर अब ये कब्र बची है जिसमें से खुशबू निकलती है। मकबरा किसका? मकबरा एक कब्र के ऊपर जो एक इमारत बनी होती है उसे मकबरा बोलते हैं। इसको अगर आप स्मेल करेंगे, इसमें से खुशबू आती है? जी ऐसा तो नहीं किसी ने अगरबत्ती जलाई हो? इतना इतना थोड़ी लगेगा, गर्म हो रहा है। नहीं नहीं देयर इज कुछ तो है, इतना थोड़ी अगरबत्ती होगा तो कहीं अगरबत्ती नजर भी तो आनी चाहिए, तो कुछ तो है, अभी कुछ मतलब पता नहीं ये है कि नहीं। वो नॉर्मली जो हाँ इत्र और वो अगरबत्ती होती है जो दरगाह वाली जो वैसे यहाँ पे अगर हम लगा दें, हम जलाते रहो, कुछ तो अंदाजा लगाए, दो घंटे हो गए मेरे साथ घूमते घूमते। आप ही अपनी शायरी अंदाज में बता दीजिए।
साकी तो बहुत ही बड़ी बात है, 300 साल पुरानी साकी अब तक छोड़ गए ये तो असली बड़ी बात होगी। साकी साकी वाले कुछ पैव होगा जो सोल है वो साकी की होगी। अच्छा ऐसा है, ओके मतलब इनकी साकी बलवन की साकी ओके सर आप बताएं। मुगल प्रिंसेस भी हो सकती है। और बताएं अरे जब बलवन देख सकते हैं तो किसने अभी तक नहीं बताया वो बताएगा, किसने नहीं बताया मनिंदर सिंह बना है जो बना है उसकी स्मेल है। ओके कबीर जी कहते हैं उसकी स्मेल है इसका जवाब लेकर जाएंगे। बताओ ये इसके ऊपर एसेंस लगा हुआ है जो ये है ना फूलों का एसेंस लगा हुआ है। अरे नहीं भाई आज मैं आई मैंने लगा दिया, कल आप आए आपने लगा दिया। I mean it's possible, that's what it means, right? Yeah, that's what I'm saying. इसके जो इंक अगरबत्ती जलाएंगे तो उसके अगरबत्ती का इत्र इत्र नहीं धुएं से कोला। Okay, so I'll tell you. चढ़ाते हैं। बहुत साल पहले जब बलबन यहाँ का हुक्मरान था, सुल्तान था, तो बलबन ने हुकूमत की है तकरीबन 1266 से लेके 1286 तक, ठीक है। और बलबन एक गुलाम था जिसकी कहानी बाद में सुनाऊंगा। तो बलबन के ज़माने में मुल्तान की तरफ मंगोलों ने हमला किया, तो बलबन ने अपने बेटे शहजादे मोहम्मद को वो हमला रोकने के लिए भेजा। और बलबन के जो बेटे थे उन मतलब उनके साथ उनके जो दोस्त थे वो अमीर खुसरो भी थे। और ये वो ज़माना था जब हज़रत अमीर खुसरो ने लिखना शुरू ही किया था, मतलब इतना मशहूर हुए नहीं थे, तो वो एज ए सोल्जर भी जो है आर्मी में जो है काम करते थे। तो लेकर गए वो शहजादा मोहम्मद अपने साथ हज़रत अमीर खुसरो को। वहाँ ये कहा जाता है कि जो दिल्ली की जो आर्मी थी वो बहुत बुरी तरीके से हारी, बेहद बुरी तरीके से हारी, मतलब कोई ज़िंदा नहीं लौटा। और जो शहजादा मोहम्मद था उसको भी मार डाला गया। तो उसकी जो लाश थी शहजादा मोहम्मद की, उसको बकायदा पैसे देकर जो है मुआवजा हरदाना देकर जो है उसको ख़रीदा गया। अब जो ज़िंदा बचने वालों में जो थे उसमें हज़रत अमीर खुसरो भी थे। हज़रत अमीर खुसरो को कैद कर लिया गया। हज़रत अमीर खुसरो को कैद करने के बाद मतलब किसी तरीके से कुछ चालाकियों के साथ वो वहाँ से जेल खाने से भाग आए। और जब दिल्ली आए तो दिल्ली दरबार में जो है वो हाजिर हुए। तो सुल्तान ने उनसे पूछा कि बताओ मेरे बेटे ने मतलब अपने बदन पर कितने ज़ख्म खाए और किस तरीके से हिदायत। तो क्योंकि हिवदप होए तो उन्होंने बड़े मतलब अफसाने वाले अंदाज में और शायराना वाले अंदाज में जो है वो गाना शुरू किया, मर्सिया, ठीक है, मतलब मर्सिया जब सैड सॉन्ग टाइप। और जब वो मर्सिया उन्होंने गाना शुरू किया तो उसमें पूरी एक दास्तान सुनाई। तो वहाँ दरबार में जितने लोग थे ना वो लोग सुनते थे और रोने लगते थे ये सुन के कि किस तरीके से कोमल शहजादे के मतलब जिस्म पर भाले लगे या तीर लगे। उसके बाद जो है बलबन ने रोना शुरू किया, वो इतना रोया कि वो अपने तख्त से नीचे गिर गया। और कहते हैं कि 2.5 दिन बाद जो है उसकी डेथ हो गई उसी हालत में, क्योंकि ये जो रूह है वो शहीद की रूह है, इसलिए जो है इसकी जो कब्र है वो आज तक बची हुई है। जो इसके बाप की कब्र के पीछे, अब ये जो थ्योरी है ये सूफियों की थ्योरी है, ठीक है, कि भैया क्योंकि जो शहीदों की जो कब्रें होती हैं, जो रूहें होती हैं वो हमेशा रहती हैं, ठीक है, क्योंकि शहीद की कब्र है इसलिए अभी तक मुकम्मल है। जो बलबन की जो कब्र थी, क्योंकि उसने अपने ज़माने में जब उसने सुल्तानी पाई तख्त पाया तो उसने बहुत सारे लोगों का कत्ल किया, ठीक है, और कई बेगुनाह लोगों का भी कत्ल किया, तो उसको कर्ज मिला, उसको बददुआएं मिली, इस चक्कर में जो है उसकी कब्र का नामो निशान जो है वो मिट गया। अब ये किंवदंती भी है अपने आप में
कि यहाँ पर एक बुजुर्ग है जो क्लेम करते हैं कि मुझे पता चला कि दैट ही बिलोंग्स टू दैट खानदान जो बलबल का, ठीक है, तो शहजादा मोहम्मद खान शहीद इनको बोलते हैं, इनकी कब्र पर आते हैं जुमेरात टू जुमेरात और यहाँ पर इत्र लगा कर जाते हैं। ये उन्हीं का फेंका हुआ, इसलिए इसमें से कब्र में से खुशबू निकलती है। आपका कहना सही है कि मैं कितना भी अच्छा महंगे से महंगा इत्र लगा लूं, तो दो तीन घंटे बाद, चार घंटे बाद मैक्स वो चला जाता है। नहीं, लेकिन आप उसी जगह पे कितने सालों से आप वो अंदर घुस जाता है ना। नहीं, अभी मैं बताऊँ इसकी इत्र भी कौन सा लगाऊंगा। अब हम जो इत्र लगाते हैं वो बहुत पतला होता है, पानी की मात्रा जो भी लगाते हैं। अब ये जो होता है ना, ये एकदम शहद की तरह होता है, जो बहुत चिपका रहेगा। है बलबन पे आते हैं, पता नहीं कहाँ रहते हैं, और इनके बारे में भी मुझे एक बुजुर्ग ने ही बताया, लगाते हुए किसी ने देखा। अब हक इसको, इस पर यकीन करना पड़ेगा भाई, आसमान से रूहे थोड़ी आके लगा देंगे। नहीं, वो नहीं, कोई और भी हो सकता है ना। अब वो जो बुजुर्ग लगाते हैं कौन है, वो क्यों लगाते हैं और किसी कब्र पे क्यों नहीं लगाते हैं, तो अक्सर जो मैं मतलब अगर मैं मुझे एकांत चाहिए होता है तो किसी बड़े इवेंट से पहले लाइक मैं आता हूँ जहाँ वो सर बैठे हुए हैं, मैं वहाँ बैठ जाता हूँ और इस कोशिश में कि मुझे कोई दिखे एटलीस्ट कि कौन है। पर इतने सालों में मुझे कोई नहीं, मतलब मेरे को रात भी हो जाती है। तो एक बार एक बुजुर्ग यहाँ से निकल रहे थे एंड तो फातिहा पढ़ते हुए यहाँ से निकले कुछ पढ़ते हुए, तब मैंने उनसे पूछा कि आप तो यहाँ से पुराने रहने वाले हैं, क्या आप जानते हैं। तब उन्होंने बताया बैठा के आराम से इत्मीनान। नहीं, वही तो नहीं थी। मैं देना था। अब इसके पापा के पास चल रहे हैं बलबन। तो बलबन सुल्तान कैसे बने, इसमें सबसे एक इंटरेस्टिंग किस्सा है। हुआ ये कि मध्य एशिया के किसी शहर में एक लड़का रहता था, देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं था, ठीक है, तो हर कोई जो है उसको हकारत भरी नज़रों से देखता था बहुत ज़्यादा। तो एक दिन जो है वो बाज़ार से होता हुआ अपने पीठ पर बोझा लेकर जो है वो जा रहा था वहाँ से, तो सामने से जो है एक दरवेश, एक फ़कीर जो है वहाँ से निकले, तो उन्होंने जो है उसको मतलब एक वर्ड था तुरपड़ा, मतलब इसका मतलब काफ़ी गंदा होता है, मतलब इट्स लाइक बदसूरत। तो उन्होंने उसको जो है संबोधित किया कि ए तुरपड़े, ए तुरपक टाइप। तो इंस्टेड ऑफ के वो लड़का रिएक्ट करता उस बात पर, उसने सीधा अपना बोझा नीचे रखा और घुटनों पर आकर कहा कि हुक्म है खुदावंद, मतलब मेरे लिए क्या हुक्म है। तो ये जो फ़कीर थे वो बड़ा खुश हुए इस बात से कि मैंने एक छोटे से बच्चे को इस तरीके से बोला और इंस्टेड ऑफ केयर इसने तो मुझे मतलब बहुत अच्छे से मुझे जवाब दिया। तो उसने उन्होंने कहा कि वो सामने जो अनार बिक रहा है वो तो मुझे खरीद कर दे। तो बच्चे की जेब में जितने भी पैसे थे तो उन्होंने जो है उसको अनार खरीद कर दे दिया उन फ़कीरों को, जो फ़कीर थे। तो फ़कीर ने जब वो अनार लिया तो उन्होंने जो है कहा कि जा, हमने तुझे हिंद की सल्तनत अता की। तो जो लड़का था उसने भी दुआ में हाथ उठाया और उन्होंने कहा कि मैंने कबूल किया। अब ये किस्सा यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब कुछ वक्त बाद जब यहाँ पर सुल्तान अल्तमश, जो सुल्तान रज़िया के पापा थे, उनकी हुकूमत थी, तो उन्होंने मतलब उनका एक मतलब ऑफिसर मध्य एशिया गया और वहाँ से तकरीबन 100 गुलाम, एग्जैक्ट नंबर 100 गुलाम खरीद कर लेकर आया दिल्ली। तो जब 100 गुलाम यहाँ पर दिल्ली के दरबार में हाजिर किए गए तो उनमें से 99 गुलाम जो हैं वो सुल्तान ने देखते ही खरीद लिए। अब एक गुलाम बचा, एक लड़का। अब ये लड़का वही था जो वहाँ पर था एक बाजार, ठीक है। अब वो रह गया, अब सुल्तान ने उसको इसलिए नहीं खरीदा क्योंकि वो देखने में भी बड़ा मतलब वैसा था। तो जब सब जाने लगे तो लड़के ने कहा कि ऐ बंदा, ऐ खुदा परवर, ऐ गरीब परवर, मतलब आपने ये जो गुलाम है 99 वो किस लिए खरीदे। तो सुल्तान आली ने कहा कि ये गुलाम मैंने अपने लिए खरीदे। तो कहा कि सुल्तान आली, आप मुझे जो है खुदा के वास्ते खरीद लीजिए।
जो सुल्तान था उसको ये बात बड़ी पसंद आई, मतलब कि 99 गुलाम मैंने अपने लिए खरीदे और ये कहा है कि मुझे खुदा के वास्ते खरीदो, तो उन्होंने उसको भी खरीद लिया। अब क्योंकि वो देखने में जैसा भी था तो उसको बहुत एक लोअर कैटेगरी वाला जो है निचले दर्जे वाला काम दिया गया, वो काम था सक्के वाला, भिष्टी वाला। सक्का भिष्टी समझते हैं आप? सक्का भिष्टी होता है, वो पानी का काम करते थे पहले, स्किन में पानी भर के पानी छिड़कना, कुएं से पानी लाना भिष्ट में और यू नो बाहर में लेके जाना, पानी वाला काम जो है वो उसको सौंपा गया। कुछ वक्त बाद जो है जो सुल्तान के जो नजूमी थे, जो आपके मतलब हाथ वगैरह देखने वाले ज्योतिष वगैरह, तो उन्होंने कहा कि सुल्तान जो 100 गुलाम आपने खरीदे हैं उनमें से एक गुलाम जो है तुम्हारा तख्ता पलट करेगा और उसके जो चिन्ह हैं वो देखने में इस तरीके से हैं। तो सुल्तान जो थे मतलब उस जमाने में तो राजा महाराजा सब इन चीज़ों पर यकीन करते ही थे, तो उन्होंने वो जो 100 गुलाम थे उनकी पहचान परेड के लिए बुला लिया। अब क्योंकि भिष्टी जो लोग थे नीचे कैटेगरी के लोग थे तो सबसे पीछे नंबर था इनका, अब जो बाकी लोग थे उनकी पहचान हो रही थी। अब ये पहचान होते होते दोपहर हो गई, अब जब दोपहर हो गई तो जो भिष्टियों का जो ग्रुप था उन लोगों का, यार अब तुम्हें भूख लग रही है, तो उनका कि बलवन ऐसा करो तुम जाकर जो है बाजार से खाना खरीद लो, ठीक है जितने हमारा नंबर भी आ जाएगा। अब बलवन जो था वो लड़का गया बाजार से खाना खरीदने के लिए, अब इतने में जो है भिष्टियों का नंबर भी आ गया। अब क्योंकि बलबन की नौकरी ना चली जाए तो जो ग्रुप था भिष्टियों का गुलाम, उन्होंने एक दूसरे लड़के को बुलाया और बलबन की जो भिष्ट थी और जो उसका जो मतलब जो था वो तो कहा ये पकड़ के बलबन की जगह खड़े हो जाओ। अब जब वो बलबन की जगह से निकला तो चौथे ही चौथे उन्होंने पहचानने से मना कर दिया, मतलब ये तो है नहीं, और 100 के 100 गुलाम वो क्लियर हो गए। बाद में जो है वो बलबन वहाँ आया और ये कहा जाता है कि बलबन अपनी होशियारी के दम पर, अपने यू नो दिमाग के दम पर जो है उसने सक्के से जो है बड़ा ओहदा पाया, वो सिपह सालार हुआ, घुड़सवार हुआ और धीरे धीरे करके जो है वो सुल्तान के उन 40 गुलामों में आ गया जिसको तुर्कान चहलकानी कहा जाता था। जैसे आजकल हमारे पास कैबिनेट है, जो जैसे प्राइम मिनिस्टर हमारे अकेले डिसीजन नहीं ले सकते कोई भी, तो पूरी कैबिनेट के साथ जो है वो फैसला लिया जाता है। उस टाइम पे तुर्कान चहलगानी थे, 40 गुलामों का एक दल था जो है जो सुल्तान को जो है मतलब हेल्प करता था कोई भी डिसीजन लेने में। पहले वो 40 गुलामों के दल में एंटर किया उसने और फिर उसके बाद अपनी काबिलियत के दम पे उन 40 गुलामों का सरदार बन गया और फिर उसके बाद उसने उन 40 गुलामों को इतना पावरफुल कर दिया कि वो एज ए किंग मेकर का रोल जो है किरदार जो है वो निभाने लगे और धीरे धीरे करके जो है बलबन आखिरी जो है उस खानदान के सुल्तान को उसने हटाया और 1266 में जो है वो गयासुद्दीन बलबन के नाम से जो है खुद मुख्तार हो गया और तख्त उसने संभाला। और बैठते ही जो है क्योंकि बलबन शराब नहीं पीता था तो उसके ज़माने में बहुत बगावत होती थी और लोग उसका कत्ल करना चाहते थे, तो उसने क्या किया कि महफिलें बुलाईं जिसमें शराब शबाब और शरबत जो है वो पेश करता था, शराब और शरबत में जो है वो जहर मिलाकर पिला देता था और वो लोगों को खिलात मतलब गिफ्ट जो देता था उसमें डेथ होती थी। तो डेथ क्या होती थी कि डेथ में जहर लगा होता था और जैसे ही अगर मुझे वो गिफ्ट मिला और घर जाके जो मैंने वो ड्रेस पहनी और पसीना निकला और ड्रेस से उसने वो मिला जाके तो मेरी डेथ हो जाएगी। इस तरीके से जो है उसने लोगों को बहुत सारे लोगों को मरवाया। तो ये यही कि जिस पर भी उसको शक होता था कि ये मेरे खिलाफ बगावत कर देगा या मेरे खिलाफ साजिश कर देगा तो दरबार में इतना खौफ हो गया कि लोग जो है मतलब एक दूसरे को देख के मुस्कुराते भी नहीं थे कि कहाँ सुल्तान के जासूस हम पर नज़र रख रहे हैं, तो कोई कानाफूसी नहीं थी। तो ये सुल्तान बलबन का ज़माना था। अब आ जाते हैं ब्रिटिश हुकूमत के ऊपर। दोस्तों ब्रिटिश हुकूमत का जो हमारा साल ऑफिशियली जिसको बारे में कहा गया वो 1757 से जो है वो शुरू हुआ और फिर 1857 तक वो चला। ये था ईस्ट इंडिया वाला, फिर उसके बाद जो है वो क्राउन की जो है हुकूमत जो है वो शुरू हो जाती है। जो 1857 से पहले के जो ब्रिटिश लोग यहाँ रहते थे वो लोग हिंदुस्तानी कल्चर से इतना ज़्यादा प्रभावित थे कि उनको गर्व होता था कि वो अपने आप को वो हिंदुस्तानी बोले।
इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने आपसे आपस में मतलब हिंदुस्तानियों से शादी की, जैसे जेम्स स्कीनर, जिनके नाम पर स्कीनर चर्च जो है वो बना हुआ है कश्मीरी गेट पर, दैट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट चर्च इन दिल्ली, राइट। उनकी जो मदर थी शिवज राजपूत। इसी तरीके से बहुत सारे जो थे ब्रिटिश यहाँ पर दिल्ली में रहते थे, इनको वाइट मुगल भी कहा गया। ये लोग जो थे ये फारसी सीखते थे, फारसी और उर्दू अदब की जो महफिलें आबाद थी दिल्ली में उनमें जो है ये लोग शिरकत करते थे, यू टू पार्टिसिपेट इन पोएट गैदरिंग। एंड ये लोग मुजरा देखने के शौकीन थे, उसी तरीके से खाने खाना पसंद करते थे, उसी तरीके से कपड़े पहनना भी पसंद करते थे। घरों में वही काल ईरानी कालीन वाला कल्चर था। इनफैक्ट 1960-70 के टाइम पर जो सबसे अच्छी जो हिंदुस्तान में जिन्होंने फारसी बोली है या उर्दू बोली है वो सिख कम्युनिटी रही। अगर आप किसी पुराने सिख जो कोई बुजुर्ग उनसे आप मिलेंगे तो वो अभी भी जो है वो फारसी में या फिर उर्दू में न्यूज़पेपर पढ़ते हुए आपको नज़र आएंगे। उनका तखल्लुस तलफ़ुस जो मतलब इतनी ज़बान इतनी साफ़ है कि हर वर्ड फारसी का और हर वर्ड उर्दू का बहुत साफ लहजे में जो है वो बोलते हैं। तो हिंदुस्तानी जो थे वो सारे मतलब अमूमन बोलते थे, और फारसी जो थी वो एलीट क्लास की लैंग्वेज जो है वो समझी जाती थी। वाइट मुगल्स भी समझते थे। हाँ हाँ, अब अगर उन्हें ट्रेड करना था यहाँ पे तो उनको तो वो सीखना ही था। तो हुआ ये कि जैसा मैंने बताया कि पुरानी दिल्ली में जो है लोग यहाँ आ जाते थे, तो जितने भी अमीर लोग रईस लोग होते थे उन सबका कोई ना कोई घर हवेली या देवड़ी यहाँ मेहरौली में होती थी। इसी तरीके से जो है आज भी है, छतरपुर मेहरौली का ही हिस्सा है। तो उस टाइम पे एक ऑफिसर थे मैक्का, तो मैक्का साहब ने क्या किया कि यहाँ ऊपर जो है एक मुग़ल मकबरा है जो अकबर के फोस्टर ब्रदर का ही कहा जाता है वो, और उसके साथ साथ ये सारी जगह जो है वो आखिरी मुग़ल बादशाह से रेंट पर लिया, और कुछ लोग कहते हैं वो लीज पर या खरीद पर जो भी है उन्होंने ये जगह ली और अपने हिसाब से जो है उसको बनवाया। यहाँ से जो है जैसे ये पुल शुरू होता है, ये पुल उनके फार्म हाउस की तरफ जा रहा है, तो उन्होंने इधर और इधर जो है एक आर्टिफिशियल लेक बनवाई। तो अगर आप जाएंगे तो ध्यान से अगर देखेंगे तो नीचे जो है ये इट्स अ ब्रिज, यहाँ पे आपको नीचे जो है वो आर्टिस्ट नज़र आ जाएंगे। सीधा अगर हम जाएंगे तो हमारे राइट हैंड साइड पर एक बोट हाउस है, ठीक है, जहाँ नीचे जो है बोट्स वगैरह होती थी और जिसमें जो है नीचे आर्टिफिशियल जो उनकी लेक थी जहाँ पर वो बोटिंग किया करते थे, उसके स्टेयर्स पर बैठ के वो पोइट्री वगैरह लिखते थे, और जो बोट हाउस है उसके ऊपर कबूतर पाले हुए थे उन्होंने। तो उस ज़माने में कबूतरबाजी का जो कल्चर था बहुत ज़्यादा आबाद था, और उसी के सामने जो है सीढ़ी बनी हुई है जिसके ऊपर जाकर जो है उनका अपना घर था। जो वो मकबरा है उस मकबरे के चारों तरफ उन्होंने दीवार बनवाई, वहाँ आज भी जो है वो बुनियाद के पत्थर नज़र आते हैं, और उस मकबरे के बीच में से जो है उन्होंने ग्रेव हटवा दी जस्ट टू क्रिएट यू नो स्पेस फॉर हिज बिलियर्ड टेबल। और क्योंकि वो सैनिटाफ थी वो तो कोई बात नहीं, पर जो एक्चुअल में जो ग्रेव है वो नीचे क्रिप में आज भी मौजूद है। वो टूप्लेक्स उन्होंने मकबरा जो है अपना एक बंगलो बनवाया, साथ साथ सामने जो है एक कॉफी हाउस बनवाया, और साथ में जो है उन्होंने एक गेस्ट हाउस बनवाया जिसको वो हनीमून कपल्स को रेंट पर दिया करते थे। वहाँ से बेहद खूबसूरत कुतुब मीनार का जो है वो नज़ारा मिलता है। तो एक तरह से हम लोग अब एक दूसरे ज़माने में जो है यहाँ पर एंटर करें। अच्छा।